हे फूडीज, वेलकम टू किरण्स क्विजिन किचन। तो आज मैं एक समर स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। इसे आप फ्रेश मैंगो जूस या फिर फ्रूटी या स्लाइस कह सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे घर पर आसानी से कैसे बना सकते हैं। फ्रूटी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 पके हुए आम और 1 कच्ची कैरी ली है। आम बिल्कुल मीठे होने चाहिए। मैंने यहाँ पे अल्फांसो मीन्स हापुस आम यूज़ किए हैं। आप हापुस या फिर केसर आम, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो रेशियो रहता है, तो 2 पके हुए आम और 1 कच्ची कैरी आपको लेनी है। तो मैंने यहाँ पे तीनों को बहुत अच्छे से जो है धो लिया है और ये तीनों एक ही साइज़ के होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने तीनों के छिलके निकाल दिए हैं। छिलके निकालने के बाद इसको मैं रफली कट कर लूँगी। छोटा छोटा आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कैरी और आम को अलग अलग कट करके रखा है। पहले हम कैरी को पीसेंगे, क्योंकि कैरी को पीसते समय ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ कैरी। कैरी को पीसते समय हल्का सा हमें पानी की ज़रूरत लग सकती है, क्योंकि ये थोड़ी सी कड़क रहती है, इसीलिए मैं इसे पहले पीस रही हूँ और इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी डाल दें। तो ये देखिए, जो कैरी है वो पिस के रेडी है। तो इसे मैं एक सॉस पैन या फिर मोटे बेस के बर्तन में आप डाल दें। तो सेम वे में मैं यहाँ पे आम जो हमने रखे थे कट करके, उसे पीस के मैं डाल देती हूँ। आम को पीसते समय मैंने पानी नहीं डाला है, इसमें नीड नहीं रहती है पानी की और ये बहुत अच्छे से पिस जाता है। तो अब मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ 3/4 कप शुगर। शुगर की जो क्वांटिटी है वो शायद ऊपर नीचे हो सकती है, बिकॉज़ डिपेंड करता है कि आम या कैरी जो है कितने खट्टे हैं। मिक्सर जार में मैंने 2 टेबल स्पून जितना पानी डाला है और फिर अच्छे से ब्लेंड करने के बाद वो पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को हम एक बार बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसे मैं रख रही हूँ गैस पे। तो यहाँ पे देखिए, गैस का जो फ्लेम है वो आपको रखना है मीडियम। इसे इस तरह लगातार चलाते हुए आपको कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए कुक कर लेना है। जैसे जैसे आप ये कुक करोगे, इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क भी हो जाएगा और ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा। मीन्स आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छी शाइन दिखेगी और बहुत ही अच्छा स्मेल आएगा। आफ्टर 7 to 8 मिनट्स आप देख सकते हैं कितना कलर चेंज हो गया है और काफ़ी थिक भी हो गया है। तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, बिकॉज ये अभी अच्छे से कुक नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून जितना। इस स्टेज पे आप चाहे तो इसके अंदर विनेगर या फिर सिट्रिक एसिड या फिर नींबू का रस डाल सकते हैं, बट क्योंकि मैं इसे इमिडिएट यूज़ के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं ये तीनों चीज़ें नहीं डाल रही हूँ। बट अगर आपको ये 4 to 5 डेज के लिए जूस रखना है, तो फिर आप इसमें 1/2 टीस्पून जितना सिट्रिक एसिड डाल सकते हैं, मीन्स नींबू का सत। तो टोटल मैंने इसे 13 मिनट्स के लिए कुक किया है। देख सकते हैं आप कितना शाइनी लग रहा है ये, एंड काफ़ी अच्छे से कुक हो गया है, थिक हो गया है ये। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, गैस का जो फ्लेम है वो बंद कर दे। और ये कुक हुआ है या नहीं कैसे पता करेंगे, तो एक स्पून से आप ये जो साइड है वो देखिए इस तरह स्क्रैच करें, तो ये आपको बिल्कुल चिपचिपा सा गाढ़ा एकदम शहद जैसा लगेगा। और जब आप स्पून इसके अंदर डिप करेंगे, तो जो स्पून का बैक होगा वो बहुत अच्छे से कोट हो जाएगा, मीन्स हमारा जो ये प्यूरी है मैंगो का, वो बहुत अच्छे से कुक हो गया है। तो अब यहाँ पे मैंने गैस का जो फ्लेम है वो कर दिया है बंद, और इसे हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स के लिए। इसे बहुत अच्छे से ठंडा कर ले, बट इसे प्लेट से नहीं ढकना है, इसे आप चाहे तो जाली से ढक सकते हैं। आफ्टर 3 आवर्स ये बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन और स्ट्रेनर ले लिया है और इसे बहुत अच्छे से हम स्ट्रेन करेंगे। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, कितना गाढ़ा हो गया, एकदम जैम जैसे। आप इसे ब्रेड पे लगाकर भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसे छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आम के रेसे या फिर जो हमने कैरी ली है उसके कुछ चंक्स रह गए हों, तो वो बहुत अच्छे से हम स्ट्रेन कर ले। तो ये देखिए, छानने के बाद इसकी स्मूथ सी प्यूरी हमारे पास आ गई है। तो अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ पानी। तो पानी जो है आपको धीरे धीरे करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है। मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगी कि मैंने टोटल इसमें कितना पानी ऐड किया है। पानी जो है वो डिपेंड करता है कि आपने इसके अंदर शक्कर कितनी इंक्लूड करी है और ये जो आपकी प्यूरी है वो कितनी थिक है।
इसे हम उस तरह से रखेंगे जैसे मार्केट में आपको फ्रूटी मिलती है, तो उस कंसिस्टेंसी का मैं इसे बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने टोटल 2.25 लीटर पानी जो है ऐड कर दिया है। एक बार मैं आपको ये पास में से दिखा रही हूँ मैंने इसे कितना थिक रखा है। सर्व करने से पहले आपको इसे 4 आवर्स के लिए फ्रिज में रखना है। आफ्टर 4 आवर्स मैं इसे सर्व कर रही हूँ। जब आप इसे फ्रिज में रखेंगे तभी इसके अंदर जो फ्रूटी जैसा टेस्ट है वो आएगा। अगर आप पानी मिक्स करने के बाद इमिडिएटली इसे पियेंगे तो फ्रूटी जैसा टेस्ट नहीं आता है। और आपको ग्लास में डालने से पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये लीजिए हेल्दी मैंगो जूस या फ्रूटी, वो भी होममेड रेडी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।